नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। बाजार के विश्लेषण को समझते हैं कि बाजार में आज क्या हुआ, गिरावट क्यों हुई, कल की क्या स्थिति रह सकती है, कल क्या बाजार और गिरेगा बढ़ेगा, हमने आज क्या किया, सब कुछ समझेंगे आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि आज बाजार में एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिला। हालांकि नीचे से एक रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी बाजार को ग्रीन कराने में सफल नहीं हो पाई। यानी कि बाजार साहब एक बार को 16,927 का लो बनाते हैं, उसके बाद एक रिकवरी लेते हैं और 17,014 के आसपास बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार बैंक निफ्टी क्या कहने साहब, 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट होती है 38,500 का एक लो बनाने के बाद, 38,500 के आसपास का एक लो बनाने के बाद एक रिकवरी होती है और 38,700-7,500 के आसपास एक साथ जाके हमारा बैंक निफ्टी बंद हो जाता है। ओवरऑल एक्सपायरी ने आज अहम भूमिका निभाई बाजार को गिराने में। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में इस प्रकार कितनी अनिश्चितताएं चल रही हैं रशिया यूक्रेन को लेकर, और ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर बाजार में कमाई की बात की जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, बाजार में मुश्किल हो रहा है, स्पेशली ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो हम चुनने मतलब एक शानदार स्टॉक को हम लोगों ने चुना, जैसे KRBL, यूनिवर्सल केबल वगैरह हम लोगों के पास थे और गिरते हुए बाजार में हम लोगों ने उसमें ठीक ठाक सा पैसा कमाया। अभी भी पोजिशन हमारी होल्ड है। और KRBL क्यों बढ़ा, यूनिवर्सल केबल क्यों बढ़ा, ये मैंने आपको अपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में टेलीग्राम चैनल पे बता ही रखा है, आप इनको होल्ड करके रख सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपायरी के कारण बाजार में वीकनेस देखने को मिली, उसके हालांकि डॉ फ्यूचर ऊपर था तो उसके बाद भी साहब हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी रेड में बंद होने में कामयाब हो गया। हमने 27 दिसंबर की कॉल में दोस्तों काम किया, ऊपर के लेवल पे हमारे पे एक पोजिशन फ्यूचर की बैंक निफ्टी की थी। जब बैंक निफ्टी नीचे आया तो हमने उसको एवरेज किया और फिर एवरेज करने के बाद हम ऊपर के लेवल से निकल गए। बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे हम लोग दोस्तों निकल गए, एवरेज करने के बाद हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ लेकिन हम लोग निकल गए। मैंने आपसे कह रखा है कि इस बाजार में थोड़े थोड़े प्रॉफिट को लॉक करो, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे तो फिर कुछ भी अनिश्चितता हो सकती है और बाजार नीचे आ सकता है, जैसा अमूमन आज हुआ। अभी तक आपने देखा होगा डॉ फ्यूचर एचएक निफ्टी ऊपर थे और सडनली एक डाउनफॉल आया और 400 पॉइंट से ज्यादा हमारा डॉ फ्यूचर गिर गया। एक साहब 300 पॉइंट ऊपर था और रिसेंटली एक सडनली डॉ फ्यूचर साहब मेरे ख्याल से इस समय 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और एचएक निफ्टी भी 16,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। बताइए आप, वहां ये कयास लगाए जा रहे हैं, अमेरिकी जो डॉ जॉन फ्यूचर गिरा, मैं आपको बता देता हूं कि वहां कयास लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, जिस प्रकार जो वहां जॉब का डाटा आया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, इन्फ्लेशन टॉप पे है, मतलब कुल मिला के ओवरऑल एक नई सब अनिश्चितता वहां हो शुरू हो चुकी है कि फिर से फेड रेट हाइक करेगा और है फेड राइज जो फेड के रेट है वो सब टॉप पे चले जाएंगे और रशिया यूक्रेन का मैटर तो चल ही रहा है। तो हर तरफ से दोस्तों दोहरी मार पड़ रही है इस समय बाजारों में, ऊपर जाने के लिए बाजार तैयार ही नहीं हो रहे साहब। ऊपर जाते हैं एक साफ शॉर्ट सेलिंग आ जाती है, फिर बाजार धड़ाम हो जाते हैं। कोई भी निगेटिव न्यूज बाजार इतनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं कि एकदम धड़ाम हो जा रहे हैं और इसी कारण आज आपने देखा कि डॉ फ्यूचर अच्छा खासा गिरावट अभी इस समय चल रही है। अब देखते हैं अमेरिकी बाजार खुलते कैसे हैं और शाम को उसमें किस तरह का काम होता है और स्पेशली क्लोजिंग देखना बहुत जरूरी होगा कि अमेरिकी बाजार किस लेवल पर जाके क्लोज होते हैं, उसी के आधार पर तय करेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए हमारे बाजारों की। ओवरऑल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पैनिक भरी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, हमारी इंडियन की ग्रोथ स्टोरी काफी मजबूत है। DIIs जो है वो लगातार माल खरीद रहे हैं, आज भी साहब उन्होंने 700 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है। DIIs पे भरोसा करते हुए आपको भी अपने बाजार पर बुलिश रहना है। हालांकि FII पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं बाजार को गिराने में, आप देख रहे होंगे आज भी इन्होंने 1600 करोड़ के आसपास का माल बेचा। DIIs की तरफ से निगेटिव 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 बाजार को नीचे लाना चाहते हैं और FII बाजार को नीचे लाना चाहते हैं, लगातार सेल कर रहे हैं लेकिन DIIs लगातार दोस्तों बाइंग करके हमारे भारतीय बाजारों में सहारा दे रहे हैं। ये बाजार का विश्लेषण था, मैं बाजार में बुलिश हूं, DIIs के साथ हूं और मुझे लगता है कि बाजार हमारा इस गिरावट को साफ झेल सकता है जो आज होगी। अगर रिकवरी हो गई अमेरिकी बाजार में तो फिर क्या कहने,
फिर तो बाजार दोस्तों 17,000 आपको एक ही दिन में दिखा सकता है। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाजार में जो भी गिरावट हो रही है वो और जो भी बढ़त हो रही है वो एक ही दिन में कवर हो जा रही है, एक या दो दिन में कवर हो जा रही है। तो गिरावट से आपको पैनिक नहीं होना है। अगर रेंज की बात करें हाल फिलहाल में, अभी तो डॉम जोन्स वगैरह में देख के शाम को स्पेशली जो रेंज निकालूंगा उसी को मैं मार्केट प्रीव्यू में सुबह टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, तो इस समय रेंज बताने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं होगा। फिलहाल मैं कहता हूं कि 16,500 से 17,500 ये कंसोलिडेशन रेंज है, बाजार इसी दायरे में घूम सकता है। चाहे कितनी भी निगेटिव न्यूज आ जाए, 16,500 को टूटने के बाद ही बाजार में कोई थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें दोस्तों समझ में आई होंगी। उन स्टॉक पे फोकस करिए जो साहब रडार पे हैं, खबरें लगातार आ रही हैं और वो न्यूज के माध्यम से, एक मैंने अभी न्यूज चैनल, मैंने अभी एक वीडियो शुरू करी है जिसमें मैं न्यूज बता रहा हूं, कुछ स्टॉक रिलेटेड न्यूज, उनको देखिए। उन्हीं स्टॉक में फोकस करिए जो न्यूज रिलेटेड है। क्यों बड़े बड़े साहब दिग्गज निवेशक साहब किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, इन सारी चीजों को समझ के ही दोस्तों निवेश करिए। सरकार की क्या रणनीति है उसको ही निवेश करिए। ट्रेडिंग से थोड़ा सा अभी दूर रहिए। ट्रेडिंग एक दिन में आपको बड़ी स्पाइक नजर आएगी तो अगले दिन बाजार में आपको बहुत बड़ी गिरावट भी दिखाई देगी। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार फाइनली। नमस्कार।